वो दीवार नीचे गिर गई थी, दीवार गिरी है, वो मोटी दीवार बनानी था कि गिरे ना। चाल है नहीं यहाँ मिस्त्री की, बताओ कितने मिस्त्री की चाल है यहाँ। पीछे पीछे की दो बंदे भेजे, हो गया 6 महीने का टाइम था, इस बिल्डिंग का एग्रीमेंट है 6 महीने। गाइस ये तो बहुत डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे दीवार बनाई थी और नीचे गिर गई थी। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे पार्क है। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो शाम के 5 बजने वाले हैं, सुबह से दिमाग खराब हो रखा है हमारे नए घर को लेके, बिकॉज भाई हमारा काम ही नहीं चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी टाइम से, कितने महीनों से हमारा काम मतलब घर का वैसे ही पड़ा हुआ है। वो मतलब ढांचा खड़ा हो गया, उसके बाद से वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वो बंदे ही नहीं लगा रहा, तो ये दिक्कत हो रही है। तो हम सोच रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर चेंज करने का, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। भाई ऐसे अगर चलता रहा ना तो अगले साल भी नहीं बनेगा, तो भी 2-3 साल लग जाएंगे बनने में, 5 साल लग जाएंगे पूरे, 5 साल। हाँ तो बस हम चाह रहे हैं कि अब कॉन्ट्रैक्टर चेंज करके कोई और कॉन्ट्रैक्टर रख के, जो अच्छे से ज़्यादा बंदे 15-20-30 जितने बंदे लगाने, जल्दी से हमारा घर बन जाए 6-7 महीने में। तो पापा जी अंदर का है बाहर का है सब काम हमारा पूरा पेंडिंग है, सिर्फ 2 बंदे लगाता है वो, अपना आता नहीं हो, हफ्ते हफ्ते में एक बार आता देखने। तो पापा जी तो बहुत परेशान हो गए हैं, सभी को बहुत टेंशन हो गई है बहुत। कम से कम हमारा जो है ड्रीम हाउस बन रहा है, ड्रीम हाउस बनने के लिए ठेकेदार ने इतना बड़ा इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, 6-7 बंदे होने चाहिए काम करने, 6 मिस्त्री तो होने चाहिए। अब वो रेगुलर 2 मिस्त्री से हुआ तीसरा नहीं लगाता है, और जो खुद भी नहीं आता है। वही तो, इतना बड़ा घर बन रहा है वहाँ पे 2-3 लोग क्या काम करेंगे, कम से कम 15-20 लोग होने चाहिए ताकि जल्दी जल्दी काम हो। अरे 6 बंदे भी लगा दो तो भी बहुत है। हमारे से पीछे जिन्होंने काम लगाया ठीक है अपने मकान का, सब पूरे होके मकान में चले गए, और वो भी नहीं कि छोटे मोटे 3-3 मंजिल तक बना रखे हैं लोग। गाइस आप ही देख रहे हो कितना टाइम हो गया, मैं जब भी जाता हूँ व्लॉग बनाने सेम उतना ही दिखता है, पूरा 1 साल हो गया, क्योंकि 6 महीने का एग्रीमेंट था हमारा। बट मुझे लग रहा है गलती हमारी है, हमने ना स्टार्टिंग में वो ठेकेदार को देखा नहीं, हमने उसका काम नहीं देखा, हमको किसी ने बोला कि इनसे काम करा लो तो हमने करा लिया सीधा, हमने बिना अच्छा है ये है सो है। हाँ। तो उसने और पूरा काम खराब, कहीं भी काम सही नहीं है, साफ सफाई नहीं है, इतनी जगह थोड़ा बेसमेंट कर रखी पता है, कितनी जगह थोड़ा बड़ी कर रखी है, बेसमेंट खराब, तो बहुत बहुत टेंशन हो रखी है, बहुत परेशान हो रखे सब, स्पेशली पापा जी, बिकॉज पापा जी सारा काम देख रहे हैं ना, कोई भी आदमी तो छोड़ दो, बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, एक मिस्त्री कितना काम करेगा बेटा, हाँ सिर्फ एक मिस्त्री एक लेबर है, कितना काम करेगा तू बता, तू इतनी बड़े बड़ा मकान उल्टा क्या कर रहे हैं, करोगे तो ठीक है, नहीं आप कुछ बोलोगे तो हम भी चले जाएंगे, ले धमकियां क्योंकि पैसे जा चुके हैं इसलिए, पैसे दे दिए हैं उनको 17 पैसे तो आ गए ठीक है, और देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम नहीं करते। चलो वो छोड़ो अब हम सोच रहे हैं कि हम नए ठेकेदार लगाएं, नए कॉन्ट्रैक्टर ढूंढें। तो अगर आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो या किसी को जानते हो, बट काम हमको चाहिए जल्दी, तो कांटेक्ट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रहा हूँ। और हमको अच्छा काम चाहिए और जल्दी काम चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, ताकि हम जल्दी शिफ्ट हो सके वहाँ पे। भाई बहुत टाइम हो गया, बहुत बहुत परेशान हो गया, बहुत कुछ हो गया यार, एक बार चलो साइड में चलते हैं, तो अभी चलते हैं नए घर पे दिखाता हूँ। जो सोचा था जैसा काम होएगा हुआ ही नहीं, शुरू से ही परेशान है हम, जब से काम को लगाया, जब से इस आदमी को हमने दिया ठेका, ठेकेदार को, भाई कोई भी अपना काम लगाना तो पहले ठेकेदार को जान पूरा उसके वो कर लेना, जांच पड़ताल, उसके बाद ही काम देना, ऐसे काम मत दिया करो। गाइस बताइए हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है, हर चीज में पोपट होता है हमारा। मैंने आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम ना क्या है, हम हर किसी की बात में आ जाते हैं, हम सोचते हैं ये सही कह रहा है, हम अपना हिसाब से चलते हैं ना, वही चीज का। गाइस बहुत बीच में बहुत गलती हुई, बहुत कुछ हुआ, बट मैंने आपको बोला नहीं, बनने दो, 2-3 साल में बन जाएगा। क्या 2-4 साल में बन जाएगा? 2-4 साल में बनेगा। गाइस ये कुनाली के नाक में जो यहाँ पे चोट लगी है ना, मम्मी कह रही है आम से लगी है, ये है ना देख, ये चीज़ ये है ना, ये तोड़ दिया तो यहाँ से चोप आता है। क्या आता है? इसका चोप होता है, चोप दूध जैसा वो होता है ना, वो ऐसे खाने में इसका चोप यहाँ पे नाक पर लग गया इसका, ये ऐसे खा रहा होगा, ध्यान नहीं दिया, ये इसके अंदर चोप तो होता है, ये कभी भी आम तोड़ोगे इस चीज का ध्यान रखना, कहीं भी आंख में नहीं जाना चाहिए, उन पर लगना चाहिए बहुत, आंख में चला गया तो आंख में आंख खराब हो जाएगी, देख लो देख कैसा लगा है, दिखाना देख लो ऐसा टपका आंख में लग गया तो भाई ये देखना, आप बताओ ना आपको हुआ है, क्यों ये ऐसा लग के हो ही नहीं सकता, वो आम के चोप से ही हुआ है पक्का, उसको लगी थोड़ा है वीर, मतलब सुबह नहीं था इसका दाग, ये रात में आम खाया तो सुबह तभी से हुआ है, दिन सुबह दाग हो गया, अरे लगता है किसी से भी पूछ ले। गाइस आप भी ध्यान रखना आम खाते हुए, जो ये आम का ये यहाँ पे जो यहाँ पे डंडी होती है ना, यहाँ से कुछ निकलता है अगर वो अगर आपके मुंह पे या फिर स्पेशली अगर आंख में चला गया तो आंख खराब हो जाएगी, अगर मान लो मैं गिर
गिरता तो ऐसे चोट आती भी नहीं है, ऐसे चोट आती भी नहीं है। हाँ, एकदम गोल टपका हो रहा है। हाँ, दिखा ना? हाँ, एकदम गोल गोल सा है, देखो। ऐसे चोट होती भी नहीं। और देखो, देखो, इसका पूरा गोल है ऐसी ऐसी। अब सीरियस मैटर पे बात करते हैं, नए घर पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कितना काम हुआ है, क्या हुआ है। बस एक हेल्प कर देना गाइस, हमारी एक हेल्प कर देना, कोई अच्छा नया कॉन्ट्रेक्टर ढूंढ देना हमारे लिए। चलो भाई चलते हैं, आज रियलिटी बताते हैं आपको हमारे नए घर की। अब तक मैंने आपको सारी अच्छी चीज दिखाई थी हमारे घर की, अब मैं आपको खराब वाली दिखाता हूँ, जो गलतियां हैं, हमारी गलतियां या फिर जो ठेकेदार की गलतियां जो उन्होंने कर रखी हैं। देखो अभी भी देखो कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ दो तीन लोग लगे हुए हैं पीछे की साइड बस। ये देखो यहाँ की दीवार गिर गई थी गाइस, अब दीवार दोबारा लगाई है यहाँ पे, मतलब बनना तो ठीक है, गिर जा रही है दीवार यहाँ पे। देखो देखो यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, कायदे से आज यहाँ काम होना चाहिए था, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा। एक दीवार यहाँ थी वो भी गिरा के अब दोबारा बना रहे हैं, वो भी पूरी हिल रही थी, और बाकी देखो पूरा वैसे का वैसे ही है। भाई पापा जी तो फुल गुस्से में है सुबह से, उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया अच्छे से, सुबह से बस इसी बात पे टेंशन होती है क्योंकि यार घर बन रहा है वो पूरा देख रहे हैं, अच्छे से नहीं होगा तो हाँ बुरा तो लगेगा ना, गुस्सा तो आएगा ना। और देखो यूजुअली मैं इन सब चीज़ों पर डिस्कस नहीं करता, कुछ गलत होता तो वहाँ गलती से हो जाता है, बट अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब एक साल हो गया स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं ठेकेदार को कि ऐसे मत करो ऐसे मत करो, ज़्यादा लोग लगाओ, बट वो मान ही नहीं रहे, तो अब मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक हेल्प कर दो हमारी, कोई भी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को आप जानते हो या फिर आप वीडियो देख रहे हो खुद कॉन्ट्रैक्टर हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। बस हमको काम जल्दी चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए, जल्दी से 6 महीने में कंप्लीट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, और हो जाता है यार, सब हो जाता है, हो जाता, हो रहे हैं, हो गए हमारे से पीछे वालों के। इतना तो सीमेंट मिला माल है, ये माल छोड़ दिया, हाथ पैर धो लिए, रोज का काम है, और ये देखो सीमेंट मिला है माल, तू तो पानी थोड़ी डाला, सीमेंट मिल गया पानी डाले खराब तो क्यों डालते, इसमें कौन सा वाला डाला तुमने, रेता रेता कौन सा डाला, ये वाला भाई ये सब मुझे समझ में आता है, ये सब तो पापा जी को ही पता है, तो पापा जी आते हैं कि कुछ वेस्ट ना हो, बना के छोड़ देते हैं ना ये लोग। दीवार ही नहीं देने से था, वो फाड़ के हमने नौंची बना ली है, वो दीवार वो गिरी है ना नीचे, वो दीवार नीचे गिर गई थी, दीवार गिरी है, वो मोटी दीवार बनानी था कि गिरे ना, ये दीवार हटाई फ्यूचर में, सारा काम पहले गलत कर रखा है, सारा का सारा, सारी इंची दीवार हिलती है ऐसे, आई हूं हिल भी हवा में, इन्होंने फिर बना दी सारे इंच पूरा कर दिया, किसी के सिर के ऊपर गिर गई हवा हुआ, हम फिर के दोबारा बनेगी ये दीवार, आगे तो 4 इंच ही बननी है जो आपने बनाई। गाइस देखो पापा जी को ना काम की नॉलेज है और उन्होंने भी ये काम किया है, जब हरियाणा में थे तो यही काम करते थे वो, तो वो बिल्कुल परफेक्ट करते हैं कि कुछ भी वेस्ट ना हो, बट यहाँ पे ये लोग कुछ वेस्ट कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, दीवार पतली बना दे रहे हैं, दीवार हिल रही है, दीवार गिर जा रही है, उनको पता नहीं लगेगा, सीरियस मैटर पे बात हो रही है, पापा जी बड़ा गुस्सा में, रुक जो काम ठेकेदार को करना है वो पापा जी कर रहे हैं, देखो 1 महीने से ऊपर अभी कैसे लगेगा, नुकसान है इसको, इसको इसको जो है कौन भरेगा, एक आदमी रहेगा, आदमी 6 मिस्त्री भी आए ना तो भी काम है, तो भी काम है, वही तो कह रही हूँ काम तो बहुत ही, यहाँ लगे दो बंदे भेजा, दो बंदे भेजे हो गया, 6 महीने का टाइम था, इस बिल्डिंग का एग्रीमेंट है 6 महीने का, एग्रीमेंट 6 महीने का है क्या, 6 महीने का है, 6 महीने में पूरी बिल्डिंग तैयार करके दूंगा, नहीं तो मेरा 10% हम आपको नहीं बोल रहे, हम ठेकेदार को बोल रहे हैं, उनको भी पता है, उनको पता है। गाइस ये तो बहुत डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे दीवार बनाई थी और नीचे गिर गई थी, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे पार्क है तो कोई बैठा हो तो उसके ऊपर गिर जाए, तो ये देखो ये बहुत पतली है, तो ये तोड़ के यहाँ पे मोटी बनानी है फ्यूचर में कभी कुछ होना, और ये रूम गेस्ट रूम है, इतनी पतली दीवार बना दी यहाँ पे, मतलब कुछ महीनों से फील ही नहीं आ रहा है घर बनने वाला, बिकॉज बन ही नहीं रहा है, 3-4 लोग काम करेंगे तो क्या फील आएगा यार, और मुझसे लोग पूछते हैं कि कितना बन गया कितने बन गया, जहाँ जानो कितने पूछते कितना बन गया, और ऐसा नहीं कि हमने उनको बोला नहीं है, हम तो भाई 1 साल से बोल रहे हैं उनको, मम्मी ने भी इतनी बार बोला, पापा ने भी इतनी बार बोला, डाटा तक है। गाइस आज सुबह से बस यही स्ट्रेस है घर में सबको, और इसी के बारे में पूरा दिन चर्चा हो रही थी, पापा जी बता रहे थे सब कुछ, मेरे को सुना रहे थे कि तूने किसको लगवा दिया, तो इसी चक्कर में सुबह से मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, बस यही बातें हो रही थी, बस अब क्या कर सकते हैं, अब जब तक काम प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ तब तक स्ट्रेस ही रहेगा, क्योंकि भाई घर बन रहा है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 लाख से भी 60 कट्टे एक बार इसने पानी में भिगो के खत्म कर दिए हमारे, 60 कट्टे पड़े हैं नीचे, हाँ नीचे पड़े हैं, आधे तो पड़े हैं, आधे पड़े हैं, अंदर पड़े हैं उसके अंदर कट्टे, इसके अंदर पड़े हैं, ये पड़े हैं देख, वहाँ वो पड़े हैं, और इसने आधे कट्टे जहाँ लेंटर में 1 कट्टा लगना चाहिए वहाँ इसने 3 कट्टे सीमेंट के लगाए, 100 मिस्त्री लगा दिए तो 1 महीने में सारा काम हो जाएगा अपना।
भाई कुनाली को देखो गोल गोल क्या कर रहे है। गाइज मैंने सोचा था आपको रोज रोज दिखाऊंगा घर का काम होते हुए, ब्लॉग बनाऊंगा मस्त आप लोगों को दिखाऊंगा, बट मैं दिखाई नहीं पा रहा। चलो हमारा घर बनने में जो भी नुकसान हुआ, जो भी टूट फूट हुई या फिर जो भी प्रॉब्लम हुई, वो सब चलो हम होता है वो, चलो हम मान लिया कि वो होता है, नुकसान भी होता है, वेस्ट भी होता है, टूट फूट भी सब कुछ होता है, बट भाई बंदे ही ना लगाना ये नहीं सहन होता भाई। बाकी सब कुछ सहन हो सकता है, बस बंदे ही ना लगाना, काम ही आगे ना बढ़ना, वो सहन नहीं होता, तब गुस्सा आता है भाई, तो बुरा लगता है, तब हर्ट होता है भाई। इतना टाइम हो गया ओरियो घर आया हुआ है, ये हम घर के अंदर नहीं रख पा रहे हैं, ये भी ऐसे कैसे पड़ा हुआ है यहाँ पे, आप लोग कमेंट करते हो ध्यान से। तो गई नए घर काम देख के आ गए, कितना काम हो रहा था मम्मी? बहुत ज्यादा हो गया, होने वाला कंप्लीट पूरा कंप्लीट। तो अब यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी, क्या बना रहे हो आज? आलू मटर बना। तो अब करता हूँ डिनर, आलू की सब्जी, रोटी, हरी सब्जी एंड चटनी। नया घर तो बन नहीं रहा, खाना ही खा लेते हैं, भूख भी नहीं लग रही थी इस चक्कर में। तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आज का ब्लॉग कुछ ज्यादा खास था भी नहीं, मैंने आपको बताया क्या हुआ हमारे साथ में, पूरा मतलब मूड ही खराब रखा है हमारा। तो भाई देखते हैं कब तक अच्छे से काम चलेगा हमारे घर का। और गाइस मैं ना इस तरह की चीज़ें अपने ब्लॉग में नहीं दिखाता हूँ, जो भी हमारे साथ में कुछ होता है इस तरह से, तो मैं सोचता हूँ कि चलो लाइफ है, ये सब चीज़ें होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चीज़ें वेस्ट होंगी, ये सब होता है, बट जब ज़्यादा ही होता है ना तो फिर मैं दिखा देता हूँ, तो बताता हूँ आपको। चलो फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, बाकी अपडेट दूंगा क्या होता है, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखो सभी बैठे हैं, ठेकेदार साहब भी बैठे हैं वहाँ पे। ठेकेदार साहब कान खींचो, कान खींचो, काम खींचो, सुन नहीं रहा मेरी बात। ठेकेदार साहब काम खींचो, काम खींचो कह रहा हूँ। ठेकेदार साहब छुप गए, ठेकेदार साहब छुप गए, सब कुछ होता है। अरे अंकल जी से कल ही तो कब हुआ है, बात हो ही नहीं सकती, हम भी तो देख रहे हैं लोगों के काम, देखो तुम जरा कितनी जल्दी काम करवा लिए हैं हमारे, इतनी बड़ा काम है, दो दो जने तीन जने लगे, ऐसे थोड़ी काम होता है। Come on, soft, turn the key and cool.